टोनी स्टार्क अपने रूम में था। उन लोगों की मेमोरी वो फाइल्स में कन्वर्ट करके देख रहा था अपने मॉनिटर पर, और जार्विस इसमें उसकी मदद कर रहा था। और जैसे ही वो लोगन और सुजन की मेमोरीज देखता है तब वो हैरान रह जाता है और वो कहता है, रुको मुझे कुछ वक्त दो, यहाँ पर रोज रोज कोई अल्टरनेट टाइमलाइन को अनफोल्ड करने के लिए मेरे सामने नहीं आता। और वो देख रहा था कि ये टाइमलाइन पूरी तरह से चेंज थी, वो टाइमलाइन जिसमें अल्ट्रॉन एवेंजर्स के खिलाफ लड़ रहा था और टोनी ये सब देख रहा था। और कोई उसे कहता है कि टोनी हमारे पास जितना है हमने वो सब कुछ तुम्हें दिखा दिया, जो तुम देख रहे हो वही हम देख रहे हैं, हमने वुल्वरीन और सुजन रिचर्ड की मेमोरीज को फाइल्स में कन्वर्ट कर दिया है, और क्या इसके साथ कोई और इशू है? तो वो बताता है कि ये इंसेन है, ये हद से ज्यादा डरावना है। और वो जार्विस से कहता है मुझे सारा कैटलॉग डेटा चाहिए, और वो एक बार फिर से पूछता है कह दो कि ये रियल नहीं है, कह दो कि मैं अभी भी नींद में हूँ। तब एमा फ्रॉस्ट और चार्ल्स जेवियर उससे कहते हैं ये आदमी वही है, यानी कि वुल्वरीन। और चार्ल्स जेवियर कहता है लेकिन ये हमारा वुल्वरीन नहीं है। यहाँ पर टोनी कहता है लेकिन वो यहाँ पर सुजन रिचर्ड के साथ आया था जो कि हमारी सुजन रिचर्ड नहीं है, है ना। तब चार्ल्स जेवियर कहता है उनके नैरेटिव इनसाइड माइंड में हमने देखा कि उनकी पहचान आइडेंटिकल थी, वो किसी भी तरह से फेक नहीं लग रही थी। और यहाँ पर एमा फ्रॉस्ट कहती है और वो दोनों जो हमारे साथ है उन्हें भी कई हफ्तों से यही एक्सपीरियंस हो रहा था और ऐसे ही हॉरिबल मेमोरीज दिख रही थी। तब वो कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई भी तरीका नहीं है जिससे मॉर्गन ले फे ऐसा कर सके किसी के मेमोरीज के साथ, और वो यहाँ पर हमारे सामने इन क्लोन्स फेक मेमोरी वालों को या फिर ट्रोजन हॉर्स मैजिक बॉम्ब जो भी इन्हें कह लो उन्हें यहाँ पर डाल सके। तब एमा कहती है लेकिन अगर मॉर्गन ऐसा करना सीख चुकी है और अगर ये वो जानती है तो वो जीत चुकी है। तब वो कहता है नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ पर टोनी कहता है ये देखकर ये लग रहा है कि ये दोनों पूरी टाइमलाइन को ब्रोक कर चुके हैं या फिर किसी ब्रोकन टाइमलाइन को रिपेयर करने की कोशिश कर चुके हैं। और तब टोनी उन दोनों से कहता है कि सभी डिफेंडर्स को यहाँ से दूर रखो, स्पेशली कर्नल अमेरिका को। और वो कहता है कि मैं उससे खुद बात करना चाहूंगा और खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहूंगा, और मैं चाहता हूँ कि इस बात की भनक किसी को ना लगे, किसी को भी नहीं। और वो जार्विस से कहता है कि ओल्ड एवेंजर आर्काइव्स निकालो और उसमें से हैंक पिम के लेबोरेटरी की सिक्योरिटी फुटेज दिखाओ। वुल्वरीन जहाँ पर बंधा हुआ था वहाँ पर टोनी आता है और कहता है तो तुम ही वो थे जिसने हैंक पिम को मारा, हमें लगा था कि वो स्क्रल्स थे। तब वो कहता है तो तुम्हें अभी पता चला। यहाँ पर टोनी कहता है तुम्हें खुद से डर नहीं लगता ऐसा करते वक्त? लेकिन तभी लोगन उससे पूछता है कि टोनी तुम्हारे आधे हिस्से के साथ क्या हुआ। तब वो बताता है तो तुमने नोटिस कर लिया मेरी आधी बॉडी लिटवेरिया एस्गार्ड वॉर में खत्म हो चुकी है, और वही वक्त था जब मैंने थॉर को आखिरी बार देखा था। मैं अपने आर्मर में आधी तरह से लिपटा हुआ था और बचा रहा था मॉर्गन ले फे से पूरी दुनिया को ताकि वो इस वर्ल्ड को कॉन्कर ना कर सके, और अगर हैंक पिम हमारे साथ होता तो बात ही कुछ और होती। और वो जार्विस से कहता है कि डॉक्टर हेनरी पिम के होमिसाइडल लेबोरेटरी की सिक्योरिटी फुटेज दिखाओ। और तब उस फुटेज को देखते हुए वो कहता है तुमने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मारा और उसके बाद एवेंजर लगभग तबाह हो गया, मैजिक टेक्नोलॉजी के वर्सेस में हुई बैटल में जीत गया, एस्गार्ड ने हमें तबाह कर दिया, हम पूरी दुनिया खो चुके थे। यहाँ पर सुजन अपने पावर्स का इस्तेमाल करके उन हैंकर्स से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर वुल्वरीन लगभग बोर हो चुका था और वो कहता है क्या मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ या फिर इसके लिए भी मुझे कुछ और करना पड़ेगा, क्या तुम अब इस पूरे वर्ल्ड के किंग बन चुके हो? तब स्टार्क कहता है तुम मुझे बताओ कि ये बटरफ्लाई इफेक्ट क्या है। तब वो कहता है कि मेरी पूरी लाइफ ही बटरफ्लाई इफेक्ट बन चुकी है, तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया लेकिन मैं ये गलत करूँ या सही, लेकिन जिस दुनिया में मैं था वो दुनिया पूरी तरह से मर चुकी थी और इसकी वजह था तुम्हारे दोस्त का बनाया हुआ रोबोट जो उसने बेसमेंट में तैयार किया था। तब स्टार्क कहता है वो रोबोट नहीं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। और वो कहता है क्या तुमने उसे बात करने की कोशिश की, क्या तुमने उसे बताया कि उसके रास्ते में क्या एरर्स आने वाले हैं? तब वो कहता है पिम और तुम दोनों एक जैसे हो, मुझे पता था कि तुम दोनों यही कहोगे, और तुम लोग इस मामले में रिलीजियस हो, तुम दोनों किसी चीज के बारे में अगर ना सोच पाओ या फिर ना कर पाओ तो तुम उसे चैलेंज की तरह लेते हो और उसे बिल्ड करते हो। तब वो कहता है तो इस वजह से तुमने उसे मार दिया? तब वो कहता है क्योंकि मैं इस मामले में रिलीजियस हूँ। यहाँ पर टोनी कहता है और क्या तुम इस वजह से खुद को एक सेल्फलेस हीरो समझ बैठे या फिर वो आदमी जिसने पूरी दुनिया को बचाया? तब लोगन कहता है देखो बच्चे मैं इस मामले में खुद पर प्राउड फील नहीं कर रहा हूँ। लेकिन टोनी कहता है तो तुम्हें लगता है कि ये पूरी दुनिया एक बेटर प्लेस बन चुकी है, तो तुम पूरी तरह से गलत हो।
हेलीकैरियर्स जहाँ पर डिफेंडर्स अपनी अपनी राय एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे और वो सभी लोग समझ चुके थे कि वो स्क्रल्स या फिर कोई और नहीं है बल्कि वो लोग भी उनकी तरह हीरोज है। लेकिन तभी वहाँ पर एमा फ्रॉस्ट और जेवियर आ जाते हैं। यहाँ पर लोगन और बाकी हीरोज अंदर जाने की जिद कर रहे थे लेकिन जेवियर और एमा फ्रॉस्ट उन दोनों को रोक रहे थे। लेकिन पेन एमा फ्रॉस्ट को धकेलते हुए अंदर घुसता है। तब फ्रॉस्ट कहती है, रुको वरना मैं तुम्हारा दिमाग यहीं पर बंद कर दूंगी। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि अगर तुमने किसी भी डिफेंडर को टच किया फ्रॉस्ट, तो तुम्हें मुझसे सामना करना पड़ेगा और मैं तुम्हें ये आखिरी बार फोन कर रहा हूँ क्योंकि तुम नहीं चाहोगी कि मैं अपना माइंड चेंज करूँ। और वो कहता है कि केवल उसे बैकअप करो और बाकी सभी लोग पोजीशन में आ जाए। और वो तभी एक स्पेल कास्ट करते हैं जिस वजह से एमा और जेवियर दोनों बेहोश हो जाते हैं और सारे हीरोज अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पर टोनी कह रहा था, तुम उसे किसी और चीज के बारे में बता सकते थे जैसे कि टाइम रिलीज वायरस के बारे में। और वो कहता है, अगर मैं वहाँ पर जिंदा होता या फिर रीड होता तो हम दोनों में से कोई भी एक वो वायरस बना लेता। तब लोगन कहता है, तुम वहाँ पर थे नहीं और रीड वो भी वहाँ पर नहीं था। यहाँ पर हीरोज अंदर घुस चुके थे उस सिक्योरिटी सिस्टम में और एक एक करके स्टार गार्ड्स को पकड़कर वो सुजन की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ पर टोनी आगे कहता है, तो तुमने क्या सोचा कि तुम टाइम और स्पेस को फिर से तबाह कर पाओगे और अल्ट्रॉन प्रोग्राम को शट डाउन करके तुम दुनिया को बचा लोगे? और तभी जार्विस कहता है कि सिक्योरिटी ब्रीच हो चुकी है। यहाँ पर टोनी कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए बनाया गया था। यहाँ पर लोगन कहता है, तो स्टार्क तुम अपनी थ्योरी के हिसाब से ये बताना चाहते हो कि जो भी मैंने किया वो बुरा था, लेकिन तब तक लॉकडाउन शुरू हो चुका था। और इतना सुनते ही स्टार्क कहता है, तुमने लेफे की ट्रिक इस्तेमाल करके मेरा बहुत वक्त बर्बाद किया, और वो उस पर हमला कर देता है। यहाँ पर सुजन को ढूंढने के लिए हीरोज अंदर घुस चुके थे लेकिन सुजन वहां से निकल चुकी थी अपनी पावर का इस्तेमाल करके। लेकिन बदकिस्मती से वो टोनी के आगे जाती है और टोनी कहता है, सुजन या फिर और कोई तुम हो, मैं तुम्हें देख सकता हूँ या फिर सब तरह के स्पेक्ट्रम्स देख सकता हूँ और मैं इसके लिए तुम्हें मार सकता हूँ। और वो फ्रॉस्ट और जेवियर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकामयाब होता है। लेकिन तभी डिफेंडर्स देखते हैं कि यहाँ पर अटैक शुरू हो चुका था और टोनी उसके पास अंदर सुजन के साथ लड़ने का वक्त तो नहीं था लेकिन फिर भी वो उसके साथ लड़ रहा था। यहाँ पर वॉर शुरू हो चुकी थी मॉर्गन ले फे के साथ और डिफेंडर्स जो कि पूरी तरह से तैयार नहीं थे वो इस वॉर में कूद चुके थे और आखिरकार डिफेंडर्स उन्हें एक एक करके मार ही रहे थे। तभी टोनी उन्हें ज्वाइन करता है और उन सभी को मार ही रहा था कि तभी वो देखता है कि हेलीकैरियर्स एक दूसरे पर पटक कर सब हीरोज मर रहे थे।